मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रारंभ हुए किल कोरोना अभियान के तहत बुधवार को गरोट एवं भानपुरा शासकीय अस्पताल में किल कोरोना अभियान का शुभारंभ कर कोरोना योद्धाओं को एम्बुलेंस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विधायक श्री देवीलाल धाकड़ ने गरोट व भानपुरा में हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर प्रारंभ हुए किल कोरोना अभियान तहत बुधवार को गरोट एवं भानपुरा शासकीय अस्पताल में किल कोरोना अभियान का शुभारंभ कर कोरोना योद्धाओं एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1 जुलाई से प्रारंभ हुए इस अभियान के तहत 15 दिनों के भीतर मेडिकल स्टाफ की टीम डोर टू डोर जाकर कोरोना सहित अन्य बीमारी सर्दी जुकाम खांसी आदि के टेस्ट करेगी, जिससे प्रदेश में कोरोना वायरस को खत्म किया जा सके। की कोरोना अभियान के बारे में क्या जानकारी? कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए और शासन ने ये योजना बनाई है। वैसे तो हमारे यहाँ हमारे देश में भी जो ही कोरोना महामारी दुनिया में फैली, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझदारी का परिचय दिया। पूरी जानकारी हासिल करने के बाद में उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और चूंकि उनके ऊपर पूरे देश की जनता को विश्वास है, जनता ने भी उसका पालन किया और जनता कर्फ्यू के दौरान लोग अपने घरों में रहे, घर से बाहर न निकले। उन्होंने कहा कोई यानी कोई रो या ना रोड पर ना यानी नहीं, और उसका पालन किया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में बहुत जल्दी कोरोना पर हमने और कंट्रोल किया है। हमारे देश में रिकवरी रेट भी हमारे देश में हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी हुई है। निश्चित रूप से विश्वास जनता को हुआ कि हम कोरोना को समाप्त कर पाएंगे। जो भी कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री ने दिए हैं, पूरे देश की जनता ने उसका पालन किया है। थालियां बजाना, दीपक जलाना, और उसके कारण पूरे देश की जनता ने इतने लंबे समय तक लॉकडाउन का पालन किया, उसके कारण हमने कंट्रोल पाया कोरोना पर। इस दौरान शासकीय कर्मचारियों में, स्वास्थ्य कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने, अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भी और इतना बड़ा काम किया है। कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इसी स्थिति में जो रोजाना कमाई करने वाले लोग हैं उनके भी भोजन की चिंता की है, घरों पर भोजन के पैकेट पहुंचाए हैं, कच्ची सामग्री भी दी, अभी तक भी वो काम हमारे यहाँ जारी है। ऐसा सामाजिक संस्थाओं और जनता के इस प्रकार के लोगों के लिए भी सब लोगों ने उसकी चिंता की है और इसलिए अपने कोरोना योद्धा भी कहा है। अभी गरीब कल्याण वर्ष के अंतर्गत और गरीब लोगों के लिए 3 महीने के निःशुल्क सिलेंडर देने की केंद्र सरकार ने और घोषणा की है। मैं अभी गरोट कार्यक्रम में था और 3 महीने तक निःशुल्क सिलेंडर उनको दिए जाएंगे और उनको आने की जरूरत नहीं। उनका और SBI में सीधा आधार से लिंक कर देंगे, उनका खाता में पैसा चला जाएगा, उनको दुकान पर आने की जरूरत भी नहीं। और गैस एजेंसी से सीधा आधार लिंक होने के कारण उनका पैसा कट जाएगा और उनको गैस सिलेंडर मिल जाएगा। इसे गरीबों की चिंता की है। इस कोरोना महामारी के तहत हमारे प्रदेश की सरकार ने ये किल कोरोना अभियान शुरू किया है। प्रत्येक घर घर जाकर और स्वास्थ्य कर्मियों का दल प्रत्येक घर पर जांच करेगा, कोई कोरोना मरीज तो नहीं, कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कौन कौन सी बीमारी है, और पूरी रिपोर्ट लाके पेश करेगा। प्रत्येक घर पर इसकी जांच हो जाएगी तो निश्चित रूप से आगे जाकर और हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य से आज किल कोरोना अभियान की पूरे प्रदेश में शुरुआत हुई है, गोरोट में भी हुई है, भानपुरा में भी हुई। ये दल प्रत्येक घर घर जाएगा और जांच करके फिर वापस रिपोर्ट पेश करेगा ताकि इस कोरोना महामारी पर हम बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर सकें।